हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का पैच बनाना सीखेंगे। ये पैच हम अपने आने वाले अगले वीडियो की लड्डू गोपाल की ड्रेस में लगाएंगे। इस पैच को बनाने के लिए मैंने इसमें दो साइज़ के हाफ पर्ल राउंड शेप के लिए और एक टीयर शेप के हाफ पर्ल काम में लिए। ये तो मैंने इसमें पैच में लगाए हैं। इस पैच में मैंने जरदोजी और स्प्रिंग काम में लिए और सेंटर में मैंने इसमें एक बड़ा स्टोन और साइड में मैंने इसमें छोटे स्टोन लगा के इसको पैच को बनाया। इसकी लटकन को बनाने के लिए मैंने इसमें शुगर बीट और राउंड पर्ल काम में लिए। इस तरह मैं इस पैच को बनाती हूँ। इस पैच को बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलो हम इसे बनाना शुरू कर दें। इस तरह का पैच बनाने के लिए सबसे पहले हम जो कुर्ती स्टेट ऑन कर लेते हैं, इस तरह के हाफ पर्ल लेते हैं और एक इस तरह का स्टोन लेते हैं जो हम सेंटर में लगाएंगे और ये हाफ पर्ल का एक राउंड बनाते हैं। सबसे पहले मैं फेविकोल से इसमें हाफ पर्ल का एक राउंड बनाती हूँ। हम आठ पढ़ लेके ये गोल बना लेते हैं। अब इसके सेंटर में हम ये बड़ा वाला स्टोन लगा देते हैं। इस तरह हम स्टोन लगा देते हैं। इसे बड़े साइज के राउंड स्टोन लेते हैं, हाफ पढ़ लेते हैं ये भी, सॉरी बड़े साइज के ये हाफ पढ़ लेते हैं। ये इसके चारों तरफ मैं एक रो स्किप लगा दूँ। अब हमने सेकेंड रो भी लगा देती है। अब इसे हम ड्राई हो जाने देते हैं। अब हमारी ये ड्राई हो गई है ये बूटी। अब हम स्प्रिंग लेते हैं, जिसे गुलीन भी बोलते हैं, हम सुई धागा लेते हैं। बिन मोतियों के पीछे की तरफ हम ये स्प्रिंग लगाते हैं। यहाँ दोनों मोतियों के बीच में मैं सुई को डाल लेती हूँ, अपने स्प्रिंग का शुरू का हिस्सा इसमें डाल लेती हूँ। इस तरह हम इसमें लगाते हैं। इस तरह इसको यहाँ से अटैच कर लेते हैं। ऊपर से अटैच कर देते हैं, वापस से दोनों पल के बीच में आ जाते हैं। इसको इस तरह लेके आते हैं और यहाँ पे इस तरह इसमें अटैच कर देते हैं। फिर वापस से पल के ऊपर लेके जाते हैं, राउंड में से यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इस तरह हम सभी जगह इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह अब हमने वर्क के एंड में आ गए, तो यहाँ पे हम दोनों मुंह को एक साथ करके इस तरह जोड़ देते हैं दोनों को और बचे हिस्से को हम काट देते हैं। स्प्रिंग पे जब काम करते हैं तो बहुत धीरे धीरे धागे को खींचते हैं। अगर धागा अटक जाता है तो उसे खींचते नहीं, उस धागे को वहीं कट कर देते हैं, क्योंकि खींचने पे स्प्रिंग खराब हो जाती है।
अस्तर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हमने गुलिन लगा के चारों तरफ इसे कंप्लीट कर लिए। अब इस पैच के चारों तरफ हम इस तरह के हाफ पर लगाते हैं। तो ये जो हम पर लगाएंगे तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ हमको जरदोजी लगानी रहती है। तो इसके चारों तरफ हम थोड़ी थोड़ी दूर में ये हाफ पर लगा देते हैं। थोड़ा बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, जिससे हमारे इसके चारों तरफ गुलिन लग जाती है। फिर लगाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सभी जगह पल चिपका के इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम इस तरह जरदोजी लेते हैं। इस जरदोजी को हम जो हमने सेंटर में पर लगाए थे राउंड वाले, इनके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हम इन्हें ऊपर लगाते हैं। इसके छोटे छोटे हम पीस काट लेते हैं। मैंने इसका छोटा सा पीस काट लिया है। अब हम सुई धागा लेते हैं और दोनों पल के नीचे की तरफ से हम सुई को अंदर डाल लेते हैं। जरदोजी को इसमें पिरो लेते हैं और जो हमने स्प्रिंग लगाई थी उसके ऊपर से सुई को नीचे ले जाते हैं, तो एक कर्व बन जाता है। वापस से हम सुई को अंदर डाल, अब अपनी स्प्रिंग के आगे एक तरफ सुई को डाल के इसको निकाल लेते हैं। तो वापस से हमारा कर्व बन जाता है। अगला डाल लेते हैं। वापस से सेंटर में आ जाते हैं। इस तरह हमारे सेंटर के मोतियों को इस तरह से हम जरदोजी लगा के से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सेंटर में सभी जगह जरदोजी लगा लिए। अब जब ऊपर की तरफ हमने जो टीयर शेप के हाफ पल चिपकाए थे, अब इनके ऊपर भी हम राउंड शेप में जरदोजी लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सुई को अपने नीचे यहाँ पे इसकी पत्ती की शेप है वहाँ पे धागे को ले आती हूँ। जिस तरह हमने छोटे पीस काटे थे उसी तरह हम इस तरह के बड़े पीस काट लेते हैं जो हमारे पल के चारों तरफ आ जाए। अभी जरदोजी को मैं सुई में डाल लेती हूँ। जहाँ से हमने अपने धागे को निकाला था वापस से हम अपने सुई को वापस उसी जगह नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह हमारी जरदोजी का एक राउंड बन जाता है। फिर हम इसे ऊपर से भी इस तरह अटैच कर देते हैं। अब दूसरे पे आ जाते हैं। साथ में हम इन दोनों को भी आपस में यहाँ से अटैच कर देते हैं। अब हम अगले पे आ जाते हैं। इस तरह करते हुए सभी पल्स के चारों तरफ हम जरदोजी लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने सभी जगह पल के ऊपर जरदोजी लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे की तरफ जहाँ हमने सिलाई की वहाँ हल्का सा फेविकोल लगा के इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। इस तरह हम यहाँ पर हल्का सा फेविकोल लगा देते हैं और उसे अंदर की तरफ इस तरह फैला के इसे सूखने के लिए रख देते हैं। इस तरह हमारा ड्राई हो गया। अब इसे हम चारों तरफ से काट लेते हैं। इसे हम धीरे धीरे काटते हैं जिससे हमारे जरदोजी के साइड के धागे नहीं कटते। फेविकोल लगाया था इस वजह से हमारे धागे नहीं कटे। हम इसे काट के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये राउंड कट गया है। अब हम कोई भी छोटी कैंची या थ्रेड कटर लेते हैं, उससे दोनों पल्स के बीच में जो टैटून का बाकी का हिस्सा है उसे हम काट लेते हैं। ये हम सिर्फ चार पल्स के बीच में ही काटेंगे, बाकी के हम बाद में काटते हैं। अब हम पैच कंप्लीट होने के बाद हम राउंड पर्ल और ये चीड़ लेते हैं, जिन्हें शुगर बीड भी बोलते हैं। इससे हम अपने पैच की लटकन बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सुई धागा लेते हैं, उसमें डबल धागे में नीचे गांठ लगा लेते हैं और सुई के अंदर चीड़ पिरो लेते हैं। अब नीचे जो हमने डबल धागा लगाया था उसके अंदर अपनी सुई को इस तरह से निकाल लेते हैं।
जिससे एक गांठ सी बन जाती है। और जो हमने तीन चीड़ पिरोई थी उनसे इस तरह एक तीनों इस तरह से बन जाती हैं। अब इसमें हम मोती को पिरो लेते हैं। मोती को पिरोने के बाद हम इसमें अब इस तरह से मोती के नीचे आ जाते हैं तीनों। हम मोती को पिरोने के बाद हम इसमें अब लगभग 20 या 21 चीड़ और पिरो लेते हैं हम इसमें। इस तरह हमने ये इसमें पिरो लिए हैं चीड़ को। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह के हम पांच और बना लेते हैं। इस तरह हमने पांच और बना लिए तो कुल हमारे छः हो जाते हैं। अब जिधर से हमने इसके ये चार पीस काटे थे तो इसके चारों तरफ हम पूरी पीछे की तरफ चारों तरफ फेविकोल लगा लेते हैं। इन सभी पीसों के इसके ऊपर हम इस तरह से जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं सभी पीसों को। बस हम राउंड पीस हो लेते हैं टेट्रोन का, जिसे इसके ऊपर हम इस तरह से चिपका देते हैं। अब इसे हम ड्राई हो जाने देते हैं।